नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजे मैकेनिक्स में। मैं आपका दोस्त पवन आज स्कूटर में ये रूट्स हॉर्न इंस्टॉल करके बताऊंगा कैसे करते हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए कि भाई प्लीज़ हॉर्न लगा के दिखाओ, स्कूटर में कैसे लगाते हैं, तो आज उसी के ऊपर है। और मैं इस वीडियो के लिए बहुत लेट हो गया था, ये वीडियो मैंने डाली नहीं थी, हॉर्न लगा के नहीं दिखाया था, मतलब वो आज दिखाएंगे इसमें कैसे लगाते हैं। और हॉर्न आप मतलब अपने अकॉर्डिंगली कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब ये जगह देखकर जहां भी आपके स्कूटर में जगह हो वहां लगा सकते हैं। मेरे पास एक अलग से हॉर्न रखा है और ये रिले है। मैं सिर्फ इस वीडियो में कनेक्शन बताऊंगा, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इसी स्विच से बजा के दिखाऊंगा। जो स्कूटर का स्विच है ये हॉर्न का, इसी से बजा के दिखाऊँगा हॉर्न। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये स्विच खोलना है इसका, और ये जो दो तार है हॉर्न वाले इसकी इस बटन की, ये दो तार निकालनी है अलग से ही। मैं ये कट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने सबसे पहले एक बार इसमें जोड़ के और इसको अर्थ कर देना कहीं पर भी जहाँ पर हो। मैं फिलहाल आपको इसी नट पे जोड़ के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने जोड़ दिया है, यहाँ देख सकते हो आप, देख सकते हैं एक तार जोड़ दिया और एक ही रह गया हमारे पास। इसका ये तार जाएगा रिले में। ये एक तार और जोड़ रहा हूँ मैं इसमें, इसका जो दो पॉइंट होते हैं ना हॉर्न में, इसमें स्विच में, तो ये दो पॉइंट निकालिए, एक अर्थ कर दिया और एक ही अलग से निकालना है जो रिले में जोड़ेंगे हम। ये हो गई, देख सकते हो आप, एक अर्थ है, एक ये ब्लू वायर है हमारे पास। दोस्तों मैं आपको कॉपी में बता देता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों ये स्विच हो गया हमारे पास, इसमें दो पॉइंट हो गई, स्विच पहला पॉइंट ग्राउंड कर देना और दूसरी एक तार निकाल के वो रिले में, रिले हो गई। ये गलत हो गई, इसमें ऐसे है कनेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों जो हमने ये ब्लू वायर निकाली है मतलब स्विच से, वो इस पॉइंट पे जाएगी, क्योंकि ये जो दो पॉइंट है हम अगर बाइक में जोड़ते हैं तो दो पॉइंट जो हमारे हॉर्न में लगे होते हैं पहले से स्टॉक हॉर्न में, वे दो तार हॉर्न की इस पिन में और इस पिन में लग जाती है। तो हमको मतलब स्कूटर में हमें इसका थोड़ा सा कनेक्शन चेंज करना है, क्योंकि स्कूटर में
डीसी एसी कनेक्शन होते हैं। पहले तो इसको डीसी बनाने के लिए थोड़ी सी कनेक्शन अलग है। ये स्विच की वायर होगी यहाँ से इस पिन में, मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ साथ साथ। ये हमारी रिले है, तो दोस्तों ये एक तार जोड़ ली इसमें, और ये जो दो पॉइंट है इसके, ये वाले, ये और ये, ये जो दो पॉइंट है ये हमने एक तार से कनेक्ट करने हैं, मतलब जॉइंट कर देने हैं ये, और ये जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव में। ये बैटरी होगी अपनी प्लस, ये प्लस, बैटरी, और ये रिले। तो ये बैटरी हमारे पास एक अलग से देख सकते हो, ये और ये दोनों जॉइंट हो गई, देख सकते हो आप, ये जॉइंट कर दिया मैंने। और अब बोरिंग ले आते हैं इस तरफ, ये कर दी, ये होर्न की वायर इसमें जोड़नी है इस पिन में, ये जो वाली पिन बची हमारे पास ये होर्न की है पॉजिटिव होर्न माइनस प्लस, ये प्लस की जोड़नी है इसमें। तो ये तार निकाल रखे मैंने एक एक्स्ट्रा, तो दोस्तों देख सकते हो हॉर्न की इस वाली पिन में है, देख सकते हो यहाँ से ये हॉर्न की है, ये हॉर्न में लगा दी पॉजिटिव, और हॉर्न की एक तार हमने ग्राउंड कर देनी है, कहीं पर भी कर सकते हो आप। ये देख सकते हैं मैंने एक तार जोड़ दी इसमें, और एक ये लगानी है यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हो ये एक इसमें हो गई, ग्राउंड, और ये एक तार जो हॉर्न की हमारी बची थी माइनस वाली वो लगा देते हैं इसमें, और ये बैटरी में। तो दोस्तों ये दोबारा दिखा रहा हूँ कनेक्शन, एक ये तार है इसमें दो पिन है, दो तार मतलब स्विच की, एक ग्राउंड होगी, और एक ये जो ब्लू वायर निकाली थी दूसरी तरफ से वो हमारे रिले में कनेक्ट है, ये देख सकते हो। ये रिले में कनेक्ट है, ये दो पिन हमारी जॉइंट है जो बैटरी से आ रही है, देख सकते हो, और ये हमारी ग्राउंड होगी बैटरी से, एक ये ग्राउंड और हॉर्न की। और अब देखते हैं बजा के हॉर्न बज रहा है नहीं बज रहा, देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप बज गए हॉर्न, सिंपल कनेक्शन है बिल्कुल, आपको सिर्फ ये जो रिले है हमारी, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार,
की कन्फ्यूजन होगी इसमें थोड़ी सी। ये दो पिन एक वायर से कनेक्ट करनी है, ये बैटरी की पॉजिटिव में कनेक्ट करनी है, ये माइनस है। और ये तार स्विच से, और ये हमारे हॉर्न के पॉजिटिव में, बाकी सारे ग्राउंड कर देने हैं। बस ये सिंपल से कनेक्शन है, स्विच का एक ग्राउंड, हॉर्न का एक ग्राउंड, बैटरी का एक ग्राउंड, बाकी ये कनेक्शन है सिर्फ। दोस्तों उम्मीद है मैंने जो समझाया वो आपको मतलब अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूँ, व्हाट्सएप पर बात कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको उनके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। और मैं फ़िलहाल एक बुलेट भी रिस्टोर कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये मैंने खोल के रख रखी है बिल्कुल, ये न्यू बनानी है मेरे को, मैंने बताया था वीडियो डाली थी एक दो तीन दिन पहले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा स्कूटर बाइक्स और डीजे के रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों।